नेक्स्ट भी एक भर्ती की घोषणा करने जा रहे हैं, उस पर भी मैं अभी आऊंगा। तो कुल मिलाकर के ये जो 97,000 के करीब हमारी वैकेंसीज है कॉन्स्टेबल की, हमें उम्मीद है कि ये दोनों भर्ती प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में लगभग हम एट पार आ जाएंगे कॉन्स्टेबल की पोजीशन में, और मैन पावर की पोजीशन हमारी बाय द नेक्स्ट ईयर इट विल बी एटलीस्ट सेंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में हमारे पास में कॉन्स्टेबल हो जाएगी। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद में सभी विभागों में प्रमोशन भी हुए हैं, सीधी भर्ती भी हुई है, और पुलिस में भी काफी तेजी से प्रमोशन हम लोगों ने किए हैं। अगर भर्ती बोर्ड के द्वारा 2018 में किए गए प्रमोशन हम देखें तो कुल मिलाकर के लगभग 37,575 पदों के ऊपर प्रोन्नतियां 2018 में भर्ती बोर्ड ने करी हैं। ये समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपके पास में इन्फॉर्मेशन जाती रही है। जस्ट टू रिकैपिचुलेट, इंस्पेक्टर्स की जो प्रमोशन है इंस्पेक्टर लेवल पे लगभग 2,192 इंस्पेक्टर लेवल प्रमोशन हुए। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लगभग 7,500 प्रमोशन हुए, और हेड कांस्टेबल सिविल पुलिस लेवल पे जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के प्रमोशन हुए वो लगभग 24,651 प्रमोशन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के हुए। इसका जो एक परिणाम हुआ वो ये है कि सब्सिक्वेंटली कांस्टेबल लेवल के ऊपर वैकेंसीज की पोजीशन बढ़ी, जो मैंने 97,000 आपको बताया उसमें वो शामिल है। सो दिस इज दी ओवरऑल पोजीशन। सो प्रमोशन भी हम लोग एक्सपेडाइट करने में जुटे हैं, और हमारा प्रयास ये भी है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी हम एक्सपेडाइट करें। इसी तरह से अगर हम जेल की पोजीशन देखें, जेल्स की, तो वहां पे भी जो जेल वार्डर्स की संख्या है उसमें भी लगभग 50% वैकेंसीज हैं, जिसके लिए भी अध्याचन बोर्ड को भेजा गया है, और बोर्ड को ही रिक्रूटमेंट उसमें करना है। उसका भी रिक्रूटमेंट शेड्यूल क्या होगा वो वी विल डिस्क्लोज इट टू द पब्लिक टुडे। इसी तरह से फायरमैन लेवल के ऊपर अगर हम देखें, अग्निशमन विभाग में, उसमें भी लगभग 38% वैकेंसीज फायरमैन लेवल के ऊपर हैं। सो वहां पे भी अभी हम कंस्ट्रेंड हैं मैन पावर को लेकर के, और हम बेहतर सुविधाएं जो सरकार देना चाहती है उसमें ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट हमारा इन तीनों जगह पे अभी है, जिसको हम जल्दी ही पूरा करना चाहते हैं। तो आज जो ये है इसमें हम आपको शेड्यूल आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऑफकोर्स उसकी आधिकारिक सूचना जो है वो वेबसाइट के ऊपर भी भर्ती बोर्ड डालेगा। सबसे पहले मैं जो ऑनगोइंग हमारा रिक्रूटमेंट चल रहा है, विच इज जो 42,000 कांस्टेबल्स की हमारी भर्ती चल रही है, उसके बारे में आप संज्ञानित हैं कि पहले उसका एग्जाम हुआ था जून में, और उसकी सेकेंड पाली की जो परीक्षा है उसमें दो जनपदों में, इलाहाबाद में और एटा में, एक विसंगति बाद में जानकारी में आई थी। हालांकि उसकी वजह से तत्समय कोई विसंगति नहीं दिखाई दी, लेकिन दो परीक्षा केंद्रों पे, एक दिन इलाहाबाद में और एक दिन एटा में, दूसरी पाली का पर्चा पहली पाली में खुल गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि हम बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट भर्ती करें, किसी को कोई उसमें संदेह व्यक्त करने का या कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का मौका न मिले, तो सरकार ने सुओ मोटो निर्णय लेते हुए वो सेकंड पाली की भर्ती कैंसिल की थी, और उसको अब रीशेड्यूल किया गया है 25 और 26 अक्टूबर को। इस तिथि की घोषणा पहले की जा चुकी है भर्ती बोर्ड के द्वारा, 25 और 26 अक्टूबर को ये परीक्षाएं होंगी। इसको, इन परीक्षाओं को, इसमें कुल मिलाकर के जो लास्ट एग्जाम हुआ था सेकेंड पाली में, उसमें लगभग 9,75,000 अभ्यर्थी अपियर किए थे। उन 9,75,000 अभ्यर्थियों का अब ये रीशेड्यूलमेंट है 25 और 26 तारीख को। 25 तारीख को जो एग्जाम होगा वो एक पाली में है, और 26 तारीख को दो पालियों में एग्जाम होगा। जैसा कि मैंने बताया कि पहले ये दो पालियों के एग्जाम्स जो है ये कैंसिल हुए थे, अब हम इनको तीन पालियों में कर रहे हैं, जिससे और हमारा बेहतर नियंत्रण हो सके और हम इनको दो दिनों में करा सके। दूसरा जो डेट है 26 तारीख की, उसमें दो पालियों में होगा, 25 तारीख को एक पाली में होगा, और 25 तारीख वाला एग्जाम सुबह की पाली में ना हो करके दोपहर की पाली में 3 से 5 के बीच में होगा, और 26 वाला जो है वो 10 से 12 और 3 से 5, ये दो पालियों में होगा।
हर पाली में लगभग 3,25,000 के करीब कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं, तो जो 9,75,000 कैंडिडेट हमारे 2 पालियों में थे वो अब 3 पालियों में स्प्रेड होकर के लगभग 3,25,000 के करीब हैं। ये प्रदेश के 16 जनपदों में हमने ये टेस्ट सेंटर्स बनाए हैं, बोर्ड ने जो चिन्हित किए हैं। ये 477 के करीब इसमें टेस्ट केंद्र है, मेरे ख्याल में 5-6 और शायद अभी बड़े हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 482 केंद्रों में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगी 25 और 26 को। और इस बार उनको फर्दर और हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं, संस्था के साथ में भी मीटिंग्स करी हैं इसको और फुल प्रूफ बनाने के लिए, जिससे कि अब इस बार दिक्कत ना आए और पिछली बार जो कमियां रही उनको भी दूर करने का हम लोगों ने उसमें सारे कदम उठाए हैं कि उनको पारदर्शी तरीके से बेहतर ढंग से बिना किसी दिक्कत के हम कैसे संपन्न करा पाए। इन एग्जामिनेशन के लिए जो 25-26 को होंगी, इनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन उनके सेंटर्स के बारे में 22 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। एग्जामिनेशन जैसा मैंने तो दिल्ली से बड़ी खबर है, गुंडा आशीष पांडे ने सरेंडर कर दिया है, पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर किया है, होटल हयात में आशीष ने गुंडई की थी। और अब खबर ये आ रही है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, इसीलिए हमें ब्रेकिंग न्यूज देनी पड़ी, कि गुंडा पांडे ने यानी आशीष पांडे ने सरेंडर किया है, पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर किया है। इसके पहले आप सुन रहे थे डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बता रहे थे कि मैन पावर की कमी से उत्तर प्रदेश पुलिस